आपको स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं ना और जैसे बड़ों के सारे आपके यहाँ पे शूज मिल जाएंगे स्कूल टाइम्स में। तो भैया जैसे हम जैसे छोटे होते थे तब अपने जैसे शूज वगैरह पे अपना जैसे जाते थे ना अपना स्कूल में तो सरसों का तेल लगा देते थे जिससे शाइनिंग आ जाती थी, है ना। ये जूता वही है। अच्छा वही जूता है ये जी। सैंडल हमारे पास ये 2 साल से 5 साल तक के बच्चे का साइज स्टार्ट होता है हमारे पास 65 रुपए से। हाँ जी हाँ जी। और 5 साल से 8 साल तक के बच्चे का साइज है वो पड़ता है आपको यहाँ से 80 रुपए में। हाँ जी। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको लेके आ गया हूँ क्वालिटी बूट हाउस पे। दोस्तों इनकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों अब की बार इनके पास है ना स्टफ काफी अच्छा है, जैसे स्कूल का भी है टाइम जैसे हो चुका है एडमिशन वगैरह, तो स्कूल के बच्चों वगैरह के लिए भी आपको यहाँ पे जैसे शूज वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको चप्पलें मिलने वाले हैं मात्र दोस्तों यहाँ पे 12 रुपए से ना स्टार्टिंग हो जाती है। और जो भी मैं आपको आइटम दिखाऊंगा ना, जैसे आपके ये सेल लगाने वाले आइटम भी दिखाऊंगा और थोड़े कुछ अच्छे वाले क्वालिटी भी दिखाऊंगा। सेल वाला दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, आप बोलते हो कि भाई हमें बिजनेस स्टार्ट करना है सर, कुछ बताइए कोई बिजनेस बताइए, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ जैसे सोम बाजार लगता है, मंगल बाजार, बुध बाजार लगते हैं, बृहस्पति बाजार लगते हैं, तो आप उनमें जैसे ये आइटम है ना सारे बेच सकते हैं अपने 100-150 रुपए के सेल लगा के। मात्र आपको दोस्तों 12 रुपए में मिलने वाले, 12 रुपए में खरीदो यहाँ से 50 से 100 रुपए में बेचो। मैं मिलाता हूँ अपने शॉप के ओनर से। तो क्या चल भैया आपके? बढ़िया भैया। तो नाम बताइए भैया अपने? मेरा नाम पंकज खन्ना है सर। पंकज खन्ना जी, तो बताइए भैया आज व्यूअर्स को मतलब कैसे क्या दिखाना चाहते हो? मैंने आपको सारी आइटम दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास 12 रुपए से चप्पल स्टार्ट है बच्चे की। हाँ जी। उसके बाद फिर बच्चे के साइज वाइज साइज रेट पड़ते हैं। उसमें आपको रबड़ का चप्पल होगा 24 रुपए से स्टार्ट है। हाँ जी। बच्चे का चूचू चप्पल लोगे 25 रुपए से स्टार्ट है। हाँ जी हाँ जी। ये रिटेल में जाके आप आम 50 रुपए 40 रुपए 30 रुपए सेल लगा सकते हो, दुकानों में बेचोगे तो 50 रुपए कम से कम बिकता है। तो दोस्तों सारी चीज यहाँ पे क्वालिटी आपको मैं दिखाऊंगा। तो भी एक चीज और बताइए, ट्रांसपोर्टेशन और कोरियर है अवेलेबल? है कोरियर भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन तो उसका कुछ अलग से चार्ज देना पड़ेगा? हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये सर हिंदुस्तान में कई प्रांत ऐसे हैं जैसे J&K हो गया और अपना ये देहरादून वगैरह हो गया, तो यहाँ पे तो चार्ज थोड़ा ज्यादा, बाकी हिंदुस्तान में जहाँ मर्जी मंगवाओ 250 से 300 रुपए पर। सर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? मेरी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग। तो सर एक डिजाइन देके भी आपसे बनवा सकते हैं हम? हाँ जी हाँ जी, दे सकते हो आप, बनवा सकते हो, उसके लिए टाइमिंग देनी पड़ती है। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, सारी चीजें कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है मैं क्वालिटी बूट हाउस पे ले आया हूं, तो दोस्तों अब की बार काफी जबरदस्त वैरायटीज आई हुई हैं। तो भैया दिखाइए कहां से क्या स्टार्टिंग है अब की बार अपने पास? स्टार्टिंग सर ये बच्चे की है। बच्चे की आपको चप्पल पड़ती है 144 रुपए दर्जन, 12 रुपए की जोड़ी। हाँ जी हाँ जी। ये रिटेल प्राइस मिनिमम 20 से 25 रुपए बिकती है। अच्छा 12 रुपए की हमें ऐसे मतलब पेयर मिलेगा और 20 से 25 रुपए तक का बाहर बेच सकते हैं ना। बच्चे का आइटम है 5 से 10, इसके बाद में साइज ज्यादा 11 से 13 वो पड़ता है, यहाँ से आपको 20 रुपए का पड़ता है। और इसमें ये कलर्स है ना? इसमें सारे कलर्स। तो भैया ये स्टफ कौन सा रहने वाला है? ये ईवा प्लास्टिक होता है। ईवा प्लास्टिक है। कितने तक कब तक चल जाता है भैया? ये मिनिमम रेगुलर बच्चा पहनेगा और 3-4 महीने आराम से चलता है। अच्छा 3-4 महीने आराम से चल जाएगा। तो ये आप वैरायटी देख सकते हैं। तो भैया इसमें मतलब कितने कितने साइज आते हैं जैसे पैकिंग में? एक पैकिंग में 6 साइज मिक्स होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपना सेल लगा के आराम से बाहर अपना बेच सकते हैं ना। 20 से 25 रुपए तक का अपना बेचो, 12 रुपए मतलब डबल डबल सीधा मार्जिन। और दिखाइए भैया अपने पास चप्पल। इसके बाद फिर बच्चे में ये आया था चूचू। हाँ जी हाँ जी। ये होता है जो पैरों चलो बच्चा स्टार्ट होता है ना बजने वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये रिटेल में आराम से 30-35-50 रुपए बिकता है। ये आपको यहाँ से पड़ता 300 रुपए दर्जन, 25 रुपए का पेयर। अच्छा मात्र 25 रुपए का पेयर मिलेगा आपको और 50 रुपए का आराम से बाहर बिक जाएगा। चूचू चप्पल बोलते हैं इसको, चूचू चप्पले बोलते हैं दोस्तों। जैसे बसता है ना ऐसे, इसमें बसता है ये देख सकते हैं, ऐसे बजेगा इसमें और मात्र 25 रुपए में मिलने वाली है। ये भी भैया चल रहा है 6-7 महीने आराम से। हाँ बच्चा जब तक पैरों चलना सीखता है आराम से बहुत बिकती है। और दिखाइए भैया अपने पास। इसके बाद सर बच्चे में फिर एक वैरायटी आई थी एंग्री बर्ड। इसमें एंग्री बर्ड, मोटू पतलू छोटा भीम सारे डिजाइन मिक्स होते हैं। अच्छा अच्छा। ये सबसे छोटा साइज होता है 5 से 10 होगा, ये आपको पड़ता है 24 रुपए का। अच्छा अच्छा मात्र 24 रुपए की अपने 50 रुपए इसका रिटेल है। और भैया इसमें जैसे इसकी बद्दी भी ट्रांसपेरेंट लगाई है ना? हाँ जी हाँ जी, ट्रांसपेरेंट इस पे बद्दी लगाई है। और वो ईवा प्लास्टिक रहने वाला? नहीं नहीं, रबर है। अच्छा ये रबड़ में अच्छा ये रबड़ के अंदर आइटम आ जाता है। और हमें कितने का मिल रहे हैं? ये आपको 24 रुपए का पड़ रहा है और रिटेल में जाके आराम से 50-55-60 जैसे मर्जी बेचो। तो दोस्तों प्रॉपर नीचे नंबर चल रहा है, अपना ऑर्डर दे सकते हैं और अपना जैसे अगर शॉप पे आके भी परचेज कर सकते हैं। इनकी दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और दिखाइए भैया अपने पास। इसके बाद फिर ये बड़ा साइज आया था बच्चों का, इसी में आईसी के अंदर ये होता है 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे का। अच्छा अच्छा। ये पड़ता है रिटेल में बिकता है 50-60 रुपए का, होलसेल पड़ता है 32 रुपए का, 384 रुपए का। रबड़ की फॉर्म में मिलेगा ना। और दोस्तों क्वालिटी भी काफी अच्छी भैया, ऐसी चीज नहीं है अगर हमें सस्ता मिल रहा है ना, ये नहीं की क्वालिटी। हाँ। क्योंकि आपके पास नहीं, नहीं इसका एक खासियत है, आप चप्पल बहुत सी देखना यूं करोगे तो क्रैक हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चप्पल क्रैक नहीं होती। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो इस चप्पल की यही खासियत है कि चप्पल क्रैक नहीं होती, बच्चा है ना कम से कम 6-7 महीना आराम से पहन लेगा। रबड़ में जेंट्स? हाँ जी हाँ जी। इसमें आपको हवाई चप्पल प्लेन मिलेगी, ये हवाई चप्पल प्लेन मिलेगी। अच्छा अच्छा। और इसी के अंदर आपको मिलेगी स्टेप दाने वाली।
अच्छा 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 जी, इसकी भी यही खासियत है, क्रैक नहीं होगी, ये क्रैक नहीं होगी, ऐसे आराम से चलेगी। इसमें भी साइज मिल जाते हैं हवाई चप्पल, इसमें 6 से 9 साइज होता है जी। कितने प्राइस में भी है ये? आपको पड़ेगी यहाँ से सर 432 रुपए दर्जन, 36 रुपए का पेयर। अच्छा 432 रुपए दर्जन है, 36 रुपए का ऐसे हवाई चप्पल हमें मिल जाती है, ये देख सकते हैं। तीन क्वालिटी है ये। अच्छा इसी के अंदर तीन क्वालिटी है और ये सेम प्राइस है? सेम प्राइस है। जैसे भैया जैसे पैरों में डील वील पड़ जाती है ना, तो उसमें पहनने के लिए स्पेशल होती है ये, ब्लड प्रेशर और डील वगैरह के लिए स्पेशल बनती चप्पल ये। अच्छा अच्छा, डील वगैरह के लिए स्पेशल बनती है। और नीचे भैया ग्रिपिंग भी अच्छी है, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, फिसलने वाली चप्पल नहीं है, बहुत सी चप्पलें फिसल जाती है, फिसलने नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये फिसलने वाली नहीं होगी। इसमें तीन स्टाइल होते हैं, तीन स्टाइल एक ही रेट के, 432 रुपए 36 रुपए का पेयर। ये रिटेल में आराम से 60-65 आराम से बेच सकते हो आप। ये भी 36 रुपए का मिलने है। स्मूथिंग होती है ये, हैंडमेड होती है, हैंडमेड होती है। और भैया जैसे ग्रीनरी की तरह ऐसा मतलब लगता है कि हाँ भाई कुछ अपना पार्क वगैरह में चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हो। फीस के अंदर एक खासियत है, पैरों को है ना बहुत स्मूथिंग देती है। अच्छा अच्छा, तो ये कितने प्राइस में आती है भैया अपने पास? ये आपको यहाँ से पड़ती है सर 900 रुपए दर्जन, 75 रुपए का पेयर। अच्छा 900 रुपए दर्जन है, 75 रुपए का मिलने वाला है। ये देख सकते हैं वैरायटी, इसमें डिजाइनिंग बहुत सारी है मेरे पास, और कलर भी मिल जाएंगे, कलर मिल जाएंगे इसमें अलग से हटके हटके। ये लेडीज की चप्पल है, सबसे सस्ती चप्पल होती है, प्लास्टिक ईवा होता है ये। हाँ जी हाँ जी, ये रेगुलर पहने हैं, 3-4 महीने पहनी जाती है ये चप्पल, पड़ती है यहाँ से 276 रुपए दर्जन, 23 रुपए, 23 रुपीज। ये रिटेल प्राइस का अबाउट आपको कम से कम 40-50 रुपए बिकती है। और भैया और ईवा प्लास्टिक होने वाला है? हाँ जी हाँ जी, ईवा प्लास्टिक है, 5 से 8 साइज है। इसके अंदर डिजाइनर चप्पल लेंगे, डिजाइनर चप्पल ये आती है। हाँ जी, ये आपको यहाँ से पड़ती है सर 360 रुपए, 30 रुपए का पेयर। अच्छा अच्छा, ये रिटेल में जाके आराम से 50 रुपए का बिकता है, ये डिजाइनर चप्पल है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ईवा प्लास्टिक होते हैं ना वो इतना कैरी करने में इतना आसान होता है, इतनी क्योंकि इसमें इतना लाइट वेट आपको मिल जाता है। और ये भी होते चप्पलें चलती है भैया? तो भैया कुछ वारंटी वगैरह होती है? जैसे वारंटी कुछ नहीं होती इसकी। अच्छा, मतलब फिर भी आप जैसे अपने प्रोडक्ट की कुछ वारंटी देते होगे? कुछ नहीं, हमारा कोई वारंटी नहीं, क्योंकि ये आइटम ये सेल के आइटम होते हैं, सेल की आइटम होती है, रेगुलर बिकने वाली आइटम होती है, रोज बिकती है आइटम। अच्छा अच्छा, ये रेगुलर बिकने वाली आइटम है। तो ये देख सकते हो आप, इसमें भी डिजाइन कलर्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ना आपको ना फैक्ट्री मिलने वाली है। अभी मैं अभी स्टोर पे हूं और इनकी पूरा ऐसी बड़ी यूनिट है, हमारी भवाना में फैक्ट्री है खुद की। अच्छा अच्छा अच्छा, खुद बनता है? अच्छा, आपका खुद बनाते हो आप ये? और दिखाइए भैया अपने पास। इसके बाद सर ये चाइनीज आइटम आती है। हां जी, ये चाइनीज आइटम आपको होम में मिलती है। हां जी, इसका ये कितने प्राइस में भी आती है भैया? इसका फैब्रिक होता है फोम का। अच्छा, इसका प्राइस कितने रहने वाला भैया? ये सर आपको यहाँ से पड़ती है 65-65 रुपए। अच्छा, मात्र 65 रुपए की मिलती है, 780 रुपए दर्जन है, 65 रुपए का। इसके अंदर मेरे पास 65 से 70 डिजाइन है कम से कम। अच्छा अच्छा, ये फिलहाल मैंने आपको 4-5 डिजाइन यहाँ खोल के दिखा रखे हैं। अच्छा, 65 से 70 डिजाइन है, चाइनीज आइटम होती है, चाइनीज आइटम। हाँ जी हाँ जी, ये कितने प्राइस में भैया? ये रिटेल में आराम से बिकती है आपकी 100-125 रुपए की, यहाँ से पड़ती है 65 रुपए की, 65 रुपए की, 125 रुपए की बाहर बिकती है सेल लगा। शास्त्र ये पीयू की आइटम आ जाती है। हाँ जी, पीयू, पीयू लेदर सर? नहीं नहीं नहीं, प्यू फैब्रिकेशन होता है ये। अच्छा, प्यू फैब्रिकेशन है अपने पास। तो ये चप्पल हिंदुस्तान में 80% लेडीज पहनती है, ये वाली। हाँ, 80% हिंदुस्तान में पहनती है। अच्छा अच्छा, तो ये कितने प्राइस में आती है अपने पास ये? ये भैया यहाँ से आपको पड़ती है, विदाउट बॉक्स लेंगे तो ये पड़ेगी आपको 90 रुपीज। अच्छा अच्छा, बॉक्स के अंदर लेंगे ये पड़ेगी 125। 120 रुपए की अगर हम बॉक्स के साथ लेते हैं, 125 की अगर बिना बॉक्स के लेते हैं तो बिगर बॉक्स के आपको पड़ेगी 100 की। अच्छा, 20 रुपए बॉक्स के कम हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, 20 रुपए बॉक्स के कम हो जाएंगे, 100 रुपए की आपको मिल जाएगी। ये हिंदुस्तान में भैया सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा 80% पहनी जाती है चप्पल, क्योंकि इस चप्पल की खासियत होती है पहनने वाले का मन भर जाए लेकिन चप्पल खराब नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, चलने वाले आइटम होती है, ये खासियत है चप्पल की। दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपको स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं ना और जैसे बड़ों के, सारे आपको यहाँ पे शूज मिल जाएंगे स्कूल टाइम्स में। तो भैया जैसे हम जैसे छोटे होते थे, जब हमने जैसे शूज वगैरह पे अपना जैसे जाते थे ना अपना स्कूल में, तो सरसों का तेल लगाते थे जिससे शाइनिंग आ जाती थी, है ना? ये जूता वही है। अच्छा, वही जूता है ये भी। तो ये दोस्तों आपको मिले थे, कितने प्राइस से स्टार्टिंग है भैया? सर मेरे पास छोटा बच्चा 2 साल से लेकर 5 साल से तक का साइज है, आपको 60 रुपए का पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, मात्र 60 रुपए का पेयर, मात्र 60 रुपए का। और भैया जब हमारी माता जी लेके हमें साथ लेके जाती थी ना, तो जैसे इस पे MRP पे बिकता था शूज। जी जी। और सर अभी इस पे जैसे 221 लिखा हुआ है, 60 रुपए, मतलब कितने तक का देगा वो दुकानदार? आराम से आपको 125-150 तक का बेच देता है, 125-150 रुपए तक आराम से बेच देगा रिटेल में। मतलब मुनाफा है, मुनाफा है, 100 रुपए की से बाहर सेल लगा सकते हैं, मंगल बाजार बुध बाजार में 100 रुपए सेल लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद ये बड़ा बच्चा आता है, ये आपको पड़ता है 90 रुपए का, 90 रुपए का। और इसकी MRP साइज आता है 5 साल से लेकर और 15 साल तक के बच्चे का साइज होगा, 281 रुपए इस पे MRP रहने वाली है ना। दोस्तों ओनली होलसेल है, रिटेलिंग कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है, रिटेलिंग के लिए बिल्कुल भी फोन ना करें। इसमें फिर एक आ जाएगा सर, ये आपको पड़ता है यहाँ से लेडीज का जूता, इसमें ये लेडीज का 65 रुपए से स्टार्ट है, बच्चे का
65 रुपए से स्टार्ट है बच्चे का, 2 साल से 5 साल, 5 साल से 8 साल तक के बच्चे का आपको उसमें पड़ता है 70 रुपए का। अच्छा अच्छा। और 8 साल से 12 साल तक के बच्चे का साइज जो पड़ेगा यहाँ से 90 रुपए का। अच्छा अच्छा। और 12 साल से 15 साल तक के बच्चे की लेडीज का साइज है आपको पड़ेगा यहाँ से 120 रुपए का। 120 रुपए का, मात्र 120 रुपए का आपको मिल जाएगा। साइज वाइज साइज रेट है, जैसे पॉलिशिंग करके बिल्कुल चमक जाता है ना, हाथ मारो जरा सा ये देखो चमक गया। फैब्रिक कौन सा रहने वाला भी है ये? सर रैक्सिन होता है, रैक्सिन। अच्छा रैक्सिन के अंदर होता है। चलता कितना टाइम अभी है ये? चलता है ये समझ लो एक सीजन निकाल देता है बच्चे एक का। सीजन आराम से निकाल देता है। तो आपने जैसे मंगल वो बाजार हो गया, बुध बाजार हो गया, सोमवार, तो उसके हिसाब के दोस्तों आप आपको स्टफ भी मिलेगा 150 रुपए। अच्छा भाई थोड़ा कुछ हम अगर अच्छा स्टफ चाहते हैं, जैसे ये तो चलो भैया अपने पास सेल का आइटम हो गया, ठीक है, सेल वगैरह का हो गया, जैसे लोकल शॉप्स हो गया, अगर हम चाहते भैया अपना थोड़ा अच्छा रखना, मतलब एक स्टफ रखना कि भाई हम शूज चप्पल ऐसी रखें कि जबरदस्त थोड़ा मतलब हाई क्लास लेवल पे, तो वो भी सर अपने पास मिल जाएंगे? सर वो भी मिल जाएगा मेरे पास, वो जूते का फैब्रिकेशन अलग आता है। अच्छा अच्छा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा। इस टाइप में शुरू होता है, इसके अंदर मेरे पास 700 डिजाइन है। ओए होए। अच्छा अच्छा। ये फैंसी 700 से 800 डिजाइन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फैंसी है छोटे बच्चे? हाँ जी, ये 90 रुपए से स्टार्ट होता है बच्चे का जूता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसमें 90 रुपए 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे का साइज है, 5 साल से 8 साल तक के बच्चे का साइज पड़ेगा, वो 125 रुपए का है। सैंडल होती है? हाँ जी सैंडल हमारे पास ये 2 साल से 5 साल तक के बच्चे का साइज स्टार्ट होता है हमारे पास 65 रुपए से। हाँ जी हाँ जी। और 5 साल से 8 साल तक के बच्चे का साइज है वो पड़ता है आपको यहाँ से 80 रुपए में। अच्छा। और 8 साल से 12 साल तक के बच्चे का साइज है वो पड़ता है यहाँ से 90 रुपए में। हाँ जी। तो भैया ये स्टफ कौन सा रहने वाला है? ये सर पीयू होता है, पीयू। अच्छा। सोल पीयू होता है ये। अच्छा, अच्छा। और ये भी रैगजीन, एक तरफ का रैगजीन बनाया था ये। अच्छा अच्छा। तो ये कितने प्राइस में अभी हमें? ये आपको सबसे बड़ा साइज बच्चे का है, इसमें 4-5 नंबर साइज है, ये आपको पड़ता है यहाँ से 1200 रुपए दर्जन, 100 रुपए का। 100 रुपए का। और बाहर कितने का बिकता है? रिटेल में आराम से 150 रुपए का बिक जाता है। अच्छा अच्छा। आराम से सेल लग के बिकता 125 रुपए का, शॉप वगैरह पे जाओगे तो MRP भी भेज देते। अच्छा अच्छा। और 249 MRP है। इसके बाद सर ये जेंट्स का आया था, ये 1500 रुपए दर्जन, 125 रुपए का पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। ये भी पीयू फैब्रिकेशन होता है, रिटेल में आपका जाके कम से कम 150-200-250 जैसे मर्जी बिक जाता है। अच्छा। तो भैया जैसे मिनिमम घर बैठे कितने तक का माल ले सकते हैं? मिनिमम आप घर बैठे हुए एक कार्टन कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का बनता है। 10 से 12 हजार रुपए एक कार्टन बनता है। एक कार्टन कुछ उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है ट्रांसपोर्ट? नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है 250-250 रुपए। इंडिया में जहाँ मर्जी मंगवाओ प्रांत का हिसाब। कोरियर भी अभी अपने पास? अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं या स्टेट में आ जाएगा? नहीं, घर बैठे मंगा सकते हो। कोरियर भी अपने पास सुविधा, कोरियर सिस्टम भी अपना। और इसमें सर आपको हमारे पास मतलब GST वगैरह सब जो बताया मैंने आपको अवेलेबल है, उसका भी सारा सिस्टम है हमारे पास। और आप हमारे अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, हमसे माल मंगा सकते हो। ठीक है भैया।